स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू अ प्रैक्टिकल इन विच वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एज वेल एज हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन. विच एपरेटस आर यूज्ड, व्हाट आर देयर नेम्स, इवन वी शैल नो अबाउट इन डिटेल. But through practical, we can learn more things. As suppose I have a voltmeter, means this is a container which contains some chemicals. Second one, battery, about it you know. Wire, they are connecting wire, and these are called electrode which will be joined with wires as cathode and anode. The wire which is joined with negative terminal of battery is called cathode, and the wire which is connected with positive terminal of the battery is called anode. So as I am connecting it, now there is a copper wire which will used for electroplating process, and the negative terminal will be joined with the key on which electroplating is to be done. यानी अब जिस चीज का भी हम electroplating करते हैं उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जिस चीज का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कराते हैं उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं. अब हम इसमें थोड़ा वाटर डालते हैं. साथ में कॉपर सल्फेट मिलाते हैं. मैंने पानी की मात्रा को थोड़ा कम कर दिया है. स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो चुका है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में होता है. अब मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में डालता हूं और आप देखें क्या होता है. अभी मैं इसको ऐड करता हूं. प्रक्रिया शुरू होगी. इसमें थोड़ा टाइम लगता है. स्टूडेंट्स, आप यह पाएंगे कि प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है और परिवर्तन अभी आपको कुछ देखने को मिल सकता है. जैसे अभी इस की का जो कलर था वो अब चेंज होने लगा है, और पहले जो व्हाइटिश कलर जो कुछ आपको अभी दिख सकता है ऊपर वाले हिस्सों में, अभी प्रतिक्रिया बहुत अधूरी है. और दूसरे पार्ट में आप देखें कि इसके बहुत सारे जगहों में कॉपर का लेप चढ़ चुका है. मैं इसको छोड़ देता हूं कुछ देर. इस प्रक्रिया को होने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है. आप इसमें कुछ बबल्स उठते हुए देख सकते होंगे जो इसके किनारे आ गए हैं, यानी यह बता रहा है कि प्रतिक्रिया हो रही है. तो स्टूडेंट्स, जब तक ये प्रक्रिया हो रही है तब तक हम कुछ
और चीजों को जाने। स्टूडेंट्स आप एक और चीज देख सकते होंगे, इस सॉल्यूशन का कलर जितना गाढ़ा था अब वो इसका गाढ़ापन कम हो रहा है और धीरे धीरे यह ग्रीन कलर में बदल जाएगा। इसमें काफी समय लगेगा, स्टूडेंट्स अब इस प्रतिक्रिया में आप यह देख सकते हैं कि जो हमारा की है वह बहुत अधिक मात्रा में कॉपर के लेयर को अपने ऊपर ले चुका है और साथ में आप इस वोल्टमीटर के सतहों पर कुछ परसिपेट यानी अवक्षेप भी देख सकते होंगे और किनारे किनारे कुछ बबल्स हैं जो यह बता रहे हैं कि यहाँ प्रतिक्रिया के दौरान कुछ अन्य चीजें भी तैयार हुई हैं और हम यह देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया होती है वह किस तरह से संपन्न होती है। इसमें जैसा कि स्कीम में आप देख रहे हैं और इसी तरह से कुछ महंगे धातुओं का इलेक्ट्रोप्लेटिंग सस्ते धातुओं के ऊपर किया जाता है, जैसे लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना, जैसे आपने मेटल नॉन मेटल में गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देना, या कुछ इसी तरह से सस्ते धातुओं को जब हम महंगे धातु जैसे दिखने वाले चीजों में बदलते हैं तो उस पर उस खास चीज का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कराते हैं जिसको हम विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से यह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में एक अहम भूमिका अदा करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ और इसके बारे में जानते हैं तो हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में एक प्रयोग देखा है, अब हम इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। एज इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स आर दी टू थिक कॉपर वायर्स दैट आर डिप्ड इन सॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैंड। एंड जैसा कि अभी आपको मैंने आपको दिखाया कि दो तार जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं और साथ में ये वोल्टामीटर में डाले हुए सॉल्यूशन से कनेक्टेड होते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया संपूर्ण कराई जा सके, इसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानेंगे। अगेन कैथोड मींस द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी जो तार हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको हम एनोड कहते हैं। एंड एनोड मींस द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी जो हिस्सा जो तार हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं हम उसको एनोड कहेंगे। एंड इलेक्ट्रोलाइट मींस द सॉल्यूशन विच कंटेन्स द इलेक्ट्रोड एंड कंडक्ट्स द करंट इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपने अभी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को देखा, यह एक इलेक्ट्रोलाइट था, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोड धारण करता है जिसमें इलेक्ट्रोड को डाले जाते हैं और साथ में ये करंट को पास करते हैं हम उनको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। फिर वोल्टामीटर मींस द कंटेनर कैरिंग द इलेक्ट्रोलाइट अलोंग विद इलेक्ट्रोड, यानी जिस बर्तन में हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया कराते हैं उसको हम वोल्टामीटर के नाम से जानेंगे। और फिर द प्रोसेस विच इज टू बी डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट।
lysis reduces upriton means the process of causing a chemical change in a solution by passing the electric current is known as electrolysis. यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा हम उस सॉल्यूशन में विद्युत पास करा के एक रासायनिक प्रतिक्रिया कराते हैं हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं. नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू रीड बुक एंड गेट मोर नॉलेज. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग बुक.